नमस्कार फ्रेंड्स, मैं परमार पंकज टेक्नोलॉजी टूल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ज्ञानकुंज स्मार्ट क्लास के मेन सॉफ्टवेयर साइबरनेटिक्स इंटेलिस्पेस के कलर्स और चौड़ाई के टूल के बारे में जानेंगे। यहां जो आप देख रहे हैं ये कलर बॉक्सेस है, इसकी मदद से हम अलग अलग टूल में अलग अलग कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। जिस बॉक्स पर आप टच करेंगे उस ऑब्जेक्ट में वह कलर अप्लाई होगा। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए होंगे तो जहां आपको और कलर चाहिए उस बॉक्स पर डबल टच कीजिए, यह डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें से आप कलर पसंद कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई कलर आपको पसंद आ जाए ओके पर टच कर दीजिए, या तो डिफाइन कस्टम कलर्स में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार और कलर भी आप बना सकते हैं। उसमें से जो आपको ठीक लगे वह कलर पसंद कीजिए, उसको कितना लाइट और कितना डार्क करना है ये यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और ओके पर टच कीजिए। आपने जिस बॉक्स पर डबल टच किया था वहाँ पर यह कलर आ जाएगा। तो इससे आप अलग अलग कलर्स भी ला सकते हैं। यह कलर बॉक्सेस डिजिटल इंक, पॉइंट इरेजर का पहला सब टूल, फिल बकेट, टेक्स्ट टूल, शेप टूल और यहाँ पर जो लाइन टूल है, इन सब मेनुओं में अप्लाई किया जा सकता है। इन कलर बॉक्सेस के नीचे चौड़ाई बढ़ाने घटाने के लिए यह विभाग है, जिसमें यह छोटा बिंदु वाला बटन आप टच करेंगे तो कम चौड़ाई में लिखा जाएगा या जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा। अगर आप बीच के ज़्यादा बड़े बिंदु वाले बटन पर टच करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, और ज़्यादा बड़े बिंदु वाले बटन पर आप टच करेंगे तो चौड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर सफ़ेद राउंड जो दिया गया है उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से राइट साइड आगे ले जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, और अगर आप घटाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड आगे ले जाइए। इस लाइन पर डबल टच करके भी आप ऑब्जेक्ट या लेखन की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस टूल को आप डिजिटल इंक, पॉइंट इरेजर जिसमें पहला सब टूल है उसमें, टेक्स्ट टूल, शेप टूल और यहाँ पर जो लाइन टूल है, इन सभी टूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल पर फ्यूचर में अपने काम का कुछ मिल सकता है तो आप यहाँ के रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले बेल पर क्लिक करने से मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।